शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो सुनो, आज शाम को तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि बस मैं नहीं चाहती। आज शाम को तुम्हारा मेरे साथ चलना बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने तुम्हें पिछली बार कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और तुमने वादा किया था। मैंने कोई वादा नहीं किया। लेकिन मैं फोन पे बहस नहीं करना चाहता। ठीक, 8 बजे लेने आऊंगा, तैयार रहना। लेकिन मेरी बात तो सुनो। छिपे हुई हैं आप? सारा घर अंधेरे में पड़ा हुआ है। बंटी कहाँ है? ये लो अपना सूट, तैयार हो जाओ। रोजी कहाँ है? बंटी के साथ। और बंटी कहाँ है? रंजीत साहब के वहाँ। ए, नाराज हो? ए, बात नहीं करोगी क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, आई एम सॉरी। अरे बाबा, सॉरी बोल दिया, अब तो माफ कर दो।
अच्छा बाबा कान पकड़, ये लो अब तो माफ कर दो। अरे यार ऐसी भी क्या कंजूसी, सुबह फोन पर इतना डांट कर बात करने की क्या जरूरत थी। ओफो, तुमने पार्टी पे जाने से इनकार कर दिया था ना, इसलिए नाराज हो गया। अब तो हंस दो, हंसना। अरे 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 अपना पंटू बेटा आ गया, कहाँ गया था? रंजीत चाचा के घर पे। रंजीत चाचा के घर गया था, वहाँ क्या हुआ? वहाँ वो टीटू है ना, उसके डैडी ने इतना बड़ा हाथी लाया। इतना बड़ा हाथी लाया? अरे बेटा वो तो खिलौने का हाथी था, मैं तुम्हारे लिए एक जिंदा हाथी लेके आऊंगा। पर कैसे? क्यों? अपना तो दरवाजा इतना छोटा है। अरे बेटा मैं तो भूल ही गया, अपना दरवाजा तो बहुत छोटा है। देखा कितना होशियार है अपना बेटा। बेटा तू घबरा नहीं, मैं तेरे लिए एक बड़ी सी ट्रेन ला के दूंगा। चाबी वाली? हाँ चाबी वाली। अले 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 ये भी आ गया, जॉनी आ गया, जॉनी पकड़ो भाई। हेलो जॉनी, हाउ आर यू, हाउ आर यू? आधा वर्षे हुजूर, केम छो और की हाल है पाछा? नहीं समझ में आया, चलो तेरा तो कोई लैंग्वेज। या शीला, ओ गॉड, आ गई तेरी चाची। भाई तुमसे निपटो, मैं तो चला। ये शीला, शीला मां, ये शीला, शीला तुमको मालूम क्या हो गया? क्या हुआ चाची? वो 12 नंबर हाँ श्याम। हाँ अयो, अयो। आ, चुप जॉनी। ओहो नहीं माँ, तुम्हारे नाई को बांधो, हमको बहुत डर लगता है। चाची बैठो ना, ये तो तुमसे प्यार करता है। हाँ माँ, हमको प्यार करने को कुत्ता चढ़ गया। अच्छा चाची तुम कुछ कह रही थी ना। हाँ माँ, हम तुमको बोला ना वो घनश्याम के लड़के किसी को इशारा करता, वो माँ आज भाग गया। आराम आराम आराम। चाची छोड़ो ना। अरे हाँ, वो 16 नंबर की शांति का आग देखा, कैसा काला हो गया वो। माँ रात को दारू पी के आउट हो गया, उसका मरद उसको ऐसा मारा, ऐसा मारा चप्पल लेको माँ। चाची इन बातों से तुम्हें कुछ मिलता है? नहीं। हाँ तुम किधर बाहर जाता है? हाँ किधर अम्मा? पार्टी दे। कैसा पार्टी अम्मा, कैसा पार्टी? इनके ऑफिस की तरफ से कोई पार्टी दी जा रही है। अयो हमारा हस्बैंड हमको किधर पार्टी नहीं लेके जाता, अकेला जाता। ये शीला माँ तुम दारू पीता पार्टी में? मैं क्या 16 नंबर की शांति लगती है? नहीं 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 ऐसा नहीं अम्मा, ऐसा नहीं। हम तुमको बोला ना पार्टी में जाता नहीं, हमको मालूम नहीं पार्टी में क्या करता है। हमारा हस्बैंड हमको खाली कांग्रेस पार्टी लेके जाता, दूसरा पार्टी में अकेला जाता अम्मा। चलो भाई चलो, हम तो तैयार हो गए। जॉनी 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 क्या है आंटी? हाँ? आज हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, आप जरा जॉनी को संभाल सकती है? अरे आज की ताजा खबर तो सुनाती जाओ। चलो बेटा चलो, चलो बंटी बेटा डैडी को गुड नाइट बोलो। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा हम बेटा हम आपके लिए गाड़ी लेने जा रहे हैं। आप रोज बोल के जाते हैं पर खिलौने नहीं लाते हैं। ओले ओले ओले, अब की बार हम जरूर आपके लिए गाड़ी लेके आएंगे। अभी आप चुपचाप से सो जाओ। रोजी ले जाओ। चलिए मैडम जरा देखो आप कैसे लग रही हैं। अरे अब क्या हुआ? देखो भाई हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए जरा अपने गालों को कष्ट दीजिए और मुस्कुराइए। क्या फायदा, हर रोज ऐसी बेहुदा पार्टी में ले जाते हो और ऊपर से कहते हो मुस्कुराओ। शीला मैं तो खुद पार्टियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, नहीं जाता तो बॉसेस नाराज होते हैं और जाता हूं तो तुम फुग्गा बन जाते। लेकिन आजकल जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये सब करना पड़ता है। जिंदगी में आदमी मेहनत से आगे बढ़ता है या पार्टी में जाने से? अरे भाई मेहनत के सहारे बैठे रहे तो जिंदगी भर अपने कंपनी फ्लैट में पड़े रहेंगे, ना अपना घर होगा ना नौकर होंगे और ना ही बंटी की तालीम होगी। क्यों? तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, आजकल पार्टियों में ही करियर बनता है। अरे वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, शराब की मेजों पर तालुकात बढ़ते हैं, तालुकात तरक्की मिलती, मेहनत को कौन पूछता है। फिर फुग्गा बन गई। ठीक है बाबा कल से किसी साले के पार्टी में नहीं जाऊँ। ये क्या बम्बई में आके कैसी जबानी इस्तेमाल कर रहे हो? अरे भाई मैंने तो साला कहा है, बम्बई वाले तो साला चटनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तुम नहीं सुधरोगे। सुधर जाऊंगा अगर तुम मेरे नजदीक हो। अमित अजब
अच्छा आप ठीक है ना? ये आदमी कौन था? देखिए भाई साहब, अभी अभी इसे किसी ने चाकू मारा और इधर भाग गया। आप जरा मदद कीजिए, मैं इसे। आप इसको पहचानते हैं? अरे इतने अंधेरे में मैं उसे कैसे पहचानता हूँ, लेकिन ये आदमी बेचारा मर जाएगा, इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए प्लीज। अरे भाई घर को जाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पुलिस अलग परेशान करेगी, कोर्ट अलग। अरे भाई पुलिस कैसे परेशान करेगी, लेकिन ये आदमी बेचारा मर जाएगा, आप जरा दया कीजिए ना। नहीं भाई हमको इस लफड़े में नहीं पड़ना है। ड्राइवर, अरे गाड़ी आगे भाई साहब, आप मत मदद कीजिए, आप अपने ड्राइवर को भेज दीजिए। मैं एक आदमी बहुत जख्मी हो गया है, अगर आप उसे जल्दी से एडमिट कर ली तो शायद बच भी जाए। मैं उसे अपनी गाड़ी बुलाया। सुना नहीं आपने? सुना है, पहले रफ ड्राइविंग करके गरीब के ऊपर गाड़ी चढ़ा लेता है, उसका पीछे हमारा लोग के ऊपर आकर चल जाता है। एडमिट करो, जल्दी करो। आप जरा जरूरत से ज्यादा ही समझदार मालूम पड़ते हैं। अरे भाई मैं वर्ली सीफे से आ रहा था, एक आदमी को रास्ते में किसी ने चाकू मार दिया, वो बेचारा जमीन पे गिरा हुआ था, मैं उसे गाड़ी में उठा के ले आया। क्या काय को लाया? पहले पुलिस में रिपोर्ट करने का था। पुलिस वाला वहां कोई नहीं था भाई, तो फोन फिराने का था। वर्ली सीफेस पे कोई फोन बूथ नहीं है, तो पुलिस चौकी में काय को नहीं गया? भाई मुझे नहीं मालूम पुलिस चौकी कहां है। अच्छा चलो खबर करता है। पांडव, ओ पांडव, भेजा ना भेजा। मुझे तो कार में बैठे हुए डर लगता है भाई साहब, जरा जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। किधर जाना है? पार्टी में। तो इसे जल्दी एडमिट कीजिए। आने का काम है क्या? टाइम लगेगा, अभी वो पुलिस वाला आएगा, उसको बराबर स्टेटमेंट दो, उसका पीछे जिधर जाना है जाओ। देखा पुलिस को भी बयान देना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, ये आपका पुलिस वाला कब आएगा? आता है। अरे लेकिन कब आएगा, इतनी देर से तो खड़े हैं, कोई हमें पुलिस वाला दिखाई नहीं। बम काय को मारता है? आता है ना बाबा, हमारा मगज काय को खराब करता है? तुम बैठो उधर, बैठो, आता है, बैठो। बात करने की तमीज ही नहीं तुम। और ना वो साहब एक छुरी मारेला केस लाया मेरा बात। औलाद जरा जल्दी से इस आदमी के लिए डॉक्टर बुला दी। हाँ माँ जरा। तुम लाया इसको क्या? जी हाँ जी। किधर से? वर्ली सी। कितना बजा होता? कोई 8:15। तुम उधर क्या करता था? अरे हम उधर से गुजर रहे थे। किधर जाता था? कौन पार्टी? हमारी कंपनी की पार्टी। तुम उसको बचाने का कोशिश क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले ही खूनी भाग गया था। तुम आरोपी का पहचान सकता है क्या? माफ कीजिएगा हवलदार साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मुझे जेल भेज दीजिएगा, लेकिन ये गरीब जो किसी के हाथों घायल हो गया है, आपके हाथों मर जाएगा। चिल्लाता काहे को है? आहिस्ता बात करो, ये अस्पताल है, इधर चिल्लाने का नहीं। इसके आंख का ऊपर कोई दागीना था क्या? क्या मतलब? मतलब अंगूठी, घड़ी, चेन था। ओह माय गॉड, आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। नहीं खाली पूछा। तुम अपना नाम पता लिखा के जा सकते हो। मेरा मेरा कार्ड, एड्रेस, टेलीफोन। तुमको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ओके ओके। अरे ऐसे कैसे छोड़ के चला गया? वेरी केयरलेस व्हाट बॉय, वेरी केयरलेस। खून बैठ गए। नर्स कोई लेकर आओ। यहाँ कोई छुपा हुआ था, मुझे देखते ही भाग गया। यहाँ कोई छुपा हुआ था, देखते ही भाग गया? यहाँ कौन हो सकता है? ये तुम्हारा वैन है, काटा निकालो, मरीज की हालत बहुत खराब है। अरे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद।
आइए आइए जनाब आइए। ड्रिंक दे यार। पर्दे पे जनगण मन चल रहा है जनाब, पिक्चर देखने आ रहे हैं। बड़ी गड़बड़ी हो गई थी यार, तुझे नहीं मालूम। बट मैन, तुम कैसा आदमी है? ये वक्त आने का है क्या? यार तुझे नहीं मालूम, रास्ते में एक आदमी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्यों? किसी पे गाड़ी चढ़ा दिया? उधर पुलिस ने अपना बड़ा पहचाना। हम बात करेगा। यार मेरी भी सुनेगा तो अपनी पापा करता जाएगा। वर्ली सी फेस पे एक आदमी ने किसी को चाकू मार दिया और आप उसे उठा के अस्पताल ले गए। क्यों अमित साहब, आपको गवर्नमेंट से कुछ पद्मश्री लेनी है या इलेक्शन के लिए खड़ा होना है? क्या मुसीबत है? क्यों यार सलीम, वो आदमी सड़क पे पड़ा पड़ा मर रहा था। अरे मरने देना था यार। देखो मिस्टर, ये बंबई है, इधर तुम्हारे सामने किसी का मर्डर होता हो, इधर डाका पड़ता हो, देखने का नहीं, आग बंद करके चुपके से खिसक जाने का। एक तो सारा लोग दुश्मन बन जाते हैं और ऊपर से पुलिस परेशान करती है। एक ड्रिंक और बनाना यार मेरे लिए। Don't listen to these people. तुमने अच्छा काम किया है, अंजाम अच्छा ही होगा। हाँ ये हो सकता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलते वक्त कभी कभी मुश्किलें और तकलीफें रुकावट पैदा कर देती हैं, मगर ये सब चीजें वक्त की हैं। अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। Thank you. Thank you, sir. Excuse me, Mr. Sharma. Please come. Excuse me. Mrs. Amit, please come. I'll introduce some friends to you. I'm coming. तीन पिक्चर ज़्यादा मत बना, समझे? हाँ। याद रखना। Come on, guys, let's booze. Meet Mrs. Amit, Mrs. Shah, Mrs. Khanna, Mrs. Mizu, and Mrs. Bakshi. आप इसके पानी में लेंगे सोडे में? थैंक यू, मैं पीती नहीं हूँ। लीजिए ना। नहीं जी बस, थैंक यू, मैं पीती नहीं। कमाल है, आप मॉडर्न सोसाइटी में रहकर भी नहीं पीती हैं। बात यह है कि मैं अब तक इतनी मॉडर्न नहीं बनी। Okay, guys, yes to the injured man. Cheers! Cheers! Yes! हेलो अमित। हेलो पूनम, बंबई का भाई। कुछ दिन हुए, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? शादीवादी की? किससे करती, कोई पसंद ही नहीं आया आज तक। कॉलेज में एक था तो शायद मैं उसे पसंद नहीं आई। आजकल क्या कर रहे हो? Nothing much. क्लबों में गाती हूँ। आज बरसों बाद मिले हैं। Why not celebrate it? तुम गाओ, मैं नाचूंगी। पूनम, कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने गाना होना सब छोड़ दिया। Oh, please. Come on. एक बार मेरे लिए। Please, पूनम. Okay. मिलते हैं
बुझा दे नजदीक तो इतनी आ जा सीने में पड़ जाए हलचल देखे बदन का सहारा मुझको उड़ाए लिए चल चलो शीलू कम ऑन आरा जाती है चुपके से मिल जाए दोनों ओफो ये क्या बेहूदगी है कम ऑन ना अच्छा तो ये बेहूदगी है और पार्टी में उसकी कमर में हाथ डालकर जो झूम रहे थे वो शरफत थी अरे भाई पार्टी में कोई लड़की इनवाइट करे तो उसे इनकार करना बदतमीजी समझी जाती है अरे जाओ टांगे दिखाना आंखें मटकाना और बहाने से एक दूसरे से चिपक जाना ये तमीज है अरे एक लड़की के साथ पार्टी में डांस क्या कर लिया तुम तो सर पे चढ़ी जा रही हो चलो अरे जाओ प्लास्टिक की गुड़िया समझ रखा क्या रोज रात को सोते वक्त कह दिया इधर आओ बकवास बंद करो शीलू मुझे आंखें मत दिखाओ मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ऐसी पत्नी गई बाहर में निकल जाओ कमरे से तुम निकलो ये कमरा मेरा है ये घर मेरा है मैं इस घर का मालिक हूँ मैं इस घर की मालकिन हूँ सड़ो यहाँ पर जाओ पार्टी में जाके गाना क्या गा दिया न जाने कौन सा पाप कर दिया मैंने समझती उसके बिना रह नहीं सकता मैं समझते मैं इनके बिना रह नहीं सकती पैसे मैं कमाऊं नौकरी मैं करूं घर उसका चाकरी मैं करूं बच्चे मैं चलूं और घर उनका सॉरी ठीक से बोलो ना सॉरी इट्स ओके ए जॉनी भैया काहे भाव भाव के हमरे जरुआ की याद दिलावत हो भैया तुम्हारी जरू क्या बहुत गुस्साली है गुस्से वाली अरे कोई ऐसन वैसन बाप अरे बाप कभी कभी तो हम ही सोचा थी कि हमार जरुआ है कि डाकू मंगल सिंह अरे बस रहा इधर हो ज्यादा भाव भाव करवा तो तबीयत खराब हो जाए समझे आज फिर पतला दूध लाए हो आजकल बहुत दूध में पानी मिलाते बारिश का मौसम है ना तो क्या हुआ बारिश में दूध में पानी मिलाना चाहिए कौन ससुरा पानी मिलावत है बीबी जी ये तो भैंसा नहीं हुआ पानी में घूमत रहा दिन तो वो जो पनिया है ना उनके पेटे में उतर जाते है ये मैं हार हाँ। का कसम बतावा चलो अंदर गुड मॉर्निंग पापा गुड मॉर्निंग बंटी साहब कैसे हैं आप आपकी दुआ है, है? आपकी दुआ है ची 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 आपने हमारा गाल खराब कर दिया क्यों भाई आप मुंह भी नहीं धोया और आप हमारी गाल पे पप्पी ली ओहो हो आई एम वेरी सॉरी चलिए इसी बात पे आप हमारे गाल पे एक पप्पी दे दीजिए नहीं क्यों आप पहले मुंह धोकर आओ ये आपने कहाँ से सीखा बेटा टीचर ने सिखाया टीचर ने सिखाया इन औरतों का दिमाग ही खराब हो गया है क्या कुछ आपके बस की बात नहीं है रोजी आ गए गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग रोजी, मॉर्निंग 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 टी लेके आई। ठीक ठीक ठीक, आपने दांत भी नहीं घसा और चाय पी लिया। अरे बेटा तुझे क्या मालूम, सुबह सुबह चाय पीने से दांतों में ताकत आती है। हा, 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 हा। अच्छा पापा। चल बस बहुत हो गया रोजी। ओहो, सीधी तरह खड़े रहो नहीं तो जूते नहीं पहनाऊंगी। शीला, शीला, जॉनी मेरा बैग लाओ। डैम, शीला! अरे बाबा क्या हुआ? एक भी कमीज में बटन नहीं है, ये देखो। किसी का कपलिंग गायब है, किसी का बटन गायब है, ये देखो। इसका नीचे का बटन है, ऊपर का गायब। तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है, अभी लगा देती हूँ। लगा देती हूँ। शादी करने का फायदा क्या है? तुम मेरे कपड़े तक नहीं देख सकती हो? धोबी जब आता है देखना चाहिए बटन लगा है कि नहीं लगा है। न जाने दिन भर क्या करती रहती हूँ। दिन भर तुम्हारे घर को और बच्चे को संभालने में बिजी रहती हूँ, मगर तुम्हें रोज रोज बटन कहाँ से तोड़ा के आते हो? काम? क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी। इश्क करता हूँ मैं 10-10 लड़कियों से, इतराज है आपको कोई? बड़े कंजूस हो, लोग तो इश्क में सर तोड़ाते हैं और तुम बटन तोड़ा के आते हो। आपके पास कितनी अलमारियां हैं? 3 ना? फिर भी आपकी नजर इस अलमारी पे है। ये ब्लाउज यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो सबको अपने कबाड़ पे रखती हूँ, मारे ये खुद पे खुद यहाँ आ जाते हैं। लगता है तुम्हारे कपड़ों से प्यार हो गया है। हाय हाय हाय, चलिए बटन लगाइए। बाप रे, इधर आओ, ऊपर। आप जरा मुस्कुराइए कम और बटन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, पता चला कॉलर के बजाय गले पे सिल गया बटन। सुबह सुबह तुम्हें क्या हो जाता है? रात को तो मैं बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी लगती हूँ, सुबह क्या हो जाता है? सब इट शीला। ओहो, चलो जल्दी करो, गर्दन में दर्द हो रहा है। अच्छा बाबा, लेकिन शाम को जल्दी आना, कहीं जाना है। कहाँ जाना है? है एक जगह। मैं नहीं जाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगी। और अगर मैं नहीं गया तो? सोच लो, वरना नुकसान में रह जाओगे। कैसा नुकसान? चलोगे ना? चलो। मैं रास्ता बनाती हूँ। ब्लास्ट! अरे दरवान! जी साहब। ये आज गाड़ी साफ करने वाला फिर नहीं आया, कहाँ है वो? शिफ्ट में है, भोपाल में है। सॉरी बोला ना, ए गोरखा, लंबू साहब की गाड़ी साफ कर दे। तो साफ करो गाड़ी। काली मोटी, जाने कैसे कैसे लोग आ गए हैं सोसाइटी में। शीलू, शीला। हाँ। मेरी घड़ी अंदर रह गई है। मैं भी नहा रही हूँ। ओहो बाबा, देर हो रही है। तो मैं क्या करूँ, 5 मिनट ठहर जाओ। घड़ी। तू अंदर कैसे आया? घड़ी। बाहर निकलो। देखने में मैं ना रही हूँ। बाहर निकलो। ऊपर में बंद मैं बोलूँ बाहर निकलो। सब पेच। क्या कर रही हो? निकलो पहले मैं चिल्लाऊँ। तुम तो इस तरह कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहली दफे। बाय। बाय। हेलो, मिस्टर अमित श्रीवास्तव। यस। कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कौन? वो कैसा है? वो कौन? जिसे ये नीके बचाकर हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। इस समय तो बेहोश है, लेकिन आप होश में आने से पहले यानी कि उसे मर जाना चाहिए। क्या? अगर नहीं मरा तो यानी कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए
फनी गाय। शराब के अड्डे कहाँ कहाँ है वो सब मालूम हो जाता है। स्मगलिंग का माल कब और कहाँ पहुँचना है इसका पता है अब। खून कब होना है इसका पता नहीं। आप बहुत बोल चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, अब हमें बोलने का मौका दीजिए। वाह 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 वाह, क्या इंसाफ है, कोई दाद फरियाद सुनने वाला नहीं। शहर में सड़क के बीचों बीच एक जर्नलिस्ट के पेट में छुरा भोंक कर एक आदमी फरार हो जाता है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं। मैं कहता हूँ आखिर ये पुलिस है किस मर्ज की दवा। अजीब, बहुत जमाने से देख रहे हैं, अब देखने के लिए रखा ही क्या है। आपको मालूम है उसकी एक बूढ़ी माँ है, बीवी है, बच्चे है। भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो वो लोग सड़क पे भीख मांगते फिरेंगे। आप अखबार वाले जरा सी बात का क्या से क्या बना के रखते। ये जरा सी बात है, हमारे एक साथी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे फिर मुझे भी तो कुछ आप लोग बोलने दीजिए ना। देखिए मिस्टर वर्मा की इस हालत का जितना आप लोगों को दुख है उतना हमें भी। अजीत दुख से क्या होता है, अगर दुख पहुंचा तो कातिल पकड़ा आपने, बताइए कहां है कातिल। यार मुझे भी तो कुछ आप लोग बोलिए। हां बोलिए। थैंक यू। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे कभी नाम पता छोड़ के नहीं जाता, हर कातिल बेनाम होता है। देखिए जहां तक कातिल का सवाल है, मुंबई पुलिस को तो आप लोग जानते हैं, अगर मुजरिम कब्र में भी छिपा हो तो हमारी पुलिस उसे खोद निकालेगी। अजी कब खोद निकालेगी, जब हम सब लोग कब्र में पहुंच जाएंगे तो। ओहो आप लोग। हेलो गुड मॉर्निंग। नमस्ते जनाब। नमस्ते आदाब सर। ये तो है, आज ये प्रेस वालों ने पुलिस पे क्यों हमला कर रखा है। हम गरीब क्या हमला करेंगे हजूर, हमें खुद हमारी जान खतरे में नजर आ रही है। क्यों क्या बात है। कमिश्नर साहब अब तो यूं लगता है कि अखबार में आर्टिकल लिखने से पहले हमें 50 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं हमारी बारी तो नहीं आ गई। अजय साहब कल वाले हादसे ने तो बिल्कुल ही नर्वस कर दिया है, अब तो पुलिस पर से भरोसा उठता ही जा रहा है। अरे भाई पुलिस वाले भी तो आप ही की तरह इंसान होते हैं, उनके पास कोई आसमानी ताकत तो होती नहीं कि होने वाली बातों का पता चल जाए। और आप प्रेस वाले दूर की कौड़ी लाने में बहुत मशहूर हैं, आने वाले दिनों की खबरें पहले ही छाप देते हैं। वर्मा पे होने वाले हमले का आप लोगों को क्यों नहीं पता चला, आप उनके साथी हैं। देखिए पुलिस और प्रेस समाज के दो बड़े स्तंभ हैं, अगर ये दोनों मिल के काम करें काम बहुत आसान हो जाएगा। बेशक इस केस के लिए हमने जादव जैसे इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर को चुना है, ये ऐसे केसेस सॉल्व करने के लिए बहुत मशहूर है। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक और बात, अगर आपको किसी ऐसी बात का पता चले जिसका ताल्लुक वर्मा या उसके किसी दुश्मन के साथ हो तो उसे छापने से पहले हमें बता दें, हम आपके बड़े एहसानमंद रहेंगे। Any more questions? No, thank you. नमस्ते। दरवाजा बंद करो। एक बात मुझे याद आई है कमिश्नर साहब, शायद आपके काम आ सके। फरमाइए। वर्मा एक रोज मुझसे कह रहा था कि वो एक बहुत बड़े आदमी के चेहरे से नकाब उठाने वाला है, जो लोगों के सामने बहुत ही शरीफ, दयालु और धर्मात्मा आदमी बनके नजर आता है, मगर सही जिंदगी में वो एक बहुत ही गिरे हुए कैरेक्टर का आदमी है। नाम क्या उसका? यही तो नहीं बताया उसने, कहता था मेरा काम अभी अधूरा है बस। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। यादव। यस सर। अभी ये जिम्मेदारी तुम्हारे सर। शेखर साहब रिपोर्टर वर्मा के कमरे के बाहर डबल पहरा लगा दो, बगैर इजाजत कोई आदमी अंदर नहीं जाना चाहिए। अच्छा साहब। कैसे हो सकता है, भगवान की करनी को कौन टाल सकता है चाचा। लेकिन अभी अभी डॉक्टर ने कहा था कि बचने की उम्मीद, लेकिन सब कुछ क्या हो गया। मर गया बड़ा प्यारा बेटा। तो वो रात वाला पेशेंट, वो तुम्हारा वाला काला माला 11 नंबर। Yes, मैं अमित हूँ, अमित श्रीवास्तव। अच्छा अच्छा आप हैं जो इस पेशेंट को हॉस्पिटल लाए। जी हाँ। कैसी हालत है पेशेंट की? अभी तक तो बेहोश है। अब सर हम लोग कब तक मिले? We are trying our best. तो बेटा, वही है तू जिसने मेरे बेटे की जान बचाई, तेरा लाख लाख शुक्रिया बेटे, भगवान हर माँ को तुझे सब सपूत दे। देखना बेटा साली मुझे मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। बोल बेटा मेरा मन क्या कहता है,
अच्छा हो जाएगा। बोल बेटा, बोलो मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। माँ जी, अगर इस संसार में भगवान है और वो जालिमों को साथ नहीं देता तो आपका बेटा जरूर अच्छा हो जाएगा, जरूर अच्छा। आपने मेरा सौंप बचा के जो एहसान मुझ पे किया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती भैया, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती। कैसी बातें कर रही है भाई, बहनों पर एहसान थोड़ी करते हैं। अंकल अंकल, डैडी को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं हुआ। फिर घर क्यों नहीं आते? तुम उनको तंग करते रहते हो ना, इसलिए नहीं आते। अभी काफी तंग नहीं करूंगा, फिर आएंगे। हाँ बेटा आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। हाय अमित। मॉर्निंग टोनी। गुडी गुडी मॉर्निंग। मॉर्निंग। खैरियत तो है? रंगीन कपड़े, रंगीन मूड। इंटर व्यू। ओह, इंटरव्यू। या क्यों, क्या हुआ, नौकरी छोड़ के जा रहे? नो हेवंस, ऐसा वंडरफुल सर्विस और किधर मिलेगा। माय डियर, तुम्हारा आईक्यू कमजोर हो गया है, ग्लेक्सो डी का डबल डोज कर दो। माय डियर अमित, आज हम इंटरव्यू लेने वाला है 25 ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? गर्ल्स, मेन गर्ल्स। ओ लड़कियां। देख टोनी, कितनी बार समझाया तुझे ऑफिस में इन सब चक्रों में मत पड़ा कर, एक दिन नौकरी जाएगी तेरी। काय को जाएगी, हम क्या किया, हम तो खाली मजाक किया। यार बिल्डिंग में लिफ्ट लगाना मांगता है, रात पार्टी में ज्यादा देर जाता है, सुबह ऊपर नहीं चढ़ा जाता, देख अखा पसीना आ रहा है। तू एक काम कर, घर से निकलने से पहले ना एक डोज ग्लैक्सोजी का मार दिया कर, अपनी फैक्ट्री में बनता है। अमी को Morning, Miss Rita. Good morning, sir. Can you file this for me, please? Yes, sir, I do that. Anything important? Yes, sir. Come along, then. Right, sir. Come on, Miss Rita. Any news from Punjab? No, sir. Andhra? No, sir. Good. Sir, this is the new design. Interesting. वो मिस्टर देसाई के इंटरव्यू कितने बजे? सर वो अपॉइंटमेंट मैंने कैंसिल कर दी है। क्यों? सर वो इमरजेंसी मीटिंग है और आपको थिएटर में बुलाया है। अभी? जी हाँ। Please sit down. How are you? Morning, sir. Should we start? Yes. Start. भारत में कई तरह के लोग, जिनकी भाषा, पहरावा, खाना पीना सब में अंतर, लेकिन थकने पर सब एक चीज पर सहमत, ग्लैक्सोजी। सारे भारत में लोग ग्लैक्सोजी लेते हैं, ग्लैक्सो ग्लूकोज पाउडर। सर अब तक जितने भी एडवर्टाइजमेंट शॉट्स आई हैं उनमें से मैंने यही चुनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोगों की क्या राय है? Very good, very nice. I think we should buy it. Yes, sir. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, thank you. Amit, जी, मुझे तुमसे कुछ कहना। जी हाँ, कहिए। कल रात मैं मार कर रहा था कि तुम्हारी बीवी अपने आप को हमारी पार्टी के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। I'm sorry, sir. मैंने तुझसे कई बार समझाने की कोशिश की कि ये भी एक तरह से हमारी ड्यूटी है, लेकिन मैं समझती नहीं क्या करूँ। तुम खुशकिस्मत हो अमित कि आज के जमाने में तुम्हें ऐसी पढ़ी लिखी और सीधी सादी बीवी मिली, तुम्हें उस पर नाज करना चाहिए। हेलो। हेलो, क्या बात है अमित? बस ऑफिस में बैठे बैठे तुम्हारी याद आ गई, सोचा तुमसे बात कर लूं। मेरी याद आ गई है। क्या बात है अमित, आज कोई पार्टी वार्टी में जाना है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं नहीं, तुम्हारे फोन अक्सर पार्टी के लिए आते हैं ना? नहीं नहीं, बस बहुत हो गया, कल की पार्टी के बाद तो दिमाग के सारे स्क्रूज ढीले हो गए। आज के बाद पार्टी वार्टी सब बंद, ओके? अच्छा, अरे हाँ अमित, शाम को जल्दी आना, मेरे साथ जाना है,
याद है ना? हाँ हाँ याद है बाबा, याद है। ओके बाय बाय। मिस्टर सलीम जी, ये डिजाइन आपने बनाया? जी हाँ। आपका क्या ख्याल है, क्लेक्सो कंपनी लिपस्टिक बनाती है? है? जी नहीं। औरतों के फैशन का सामान बनाती है? जी नहीं। तो ये सब क्या है? किसने पसंद किया इसे? ये मिस्टर टोनी ने पसंद किया। हाय अमित। हाँ इधर आइए जनाब। यस। ये डिजाइन आपने अप्रूव किया? बिल्कुल नहीं। फिर? बल्कि मैंने तो इसे कहा था कि इसे और सेक्सी बनाओ। गुड गॉड टोनी, दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर द फैमिलीज। हर घर में ये डिब्बा जाता है, वहां औरतें भी हैं बच्चे भी हैं, जरा सोचो इसे देखेंगे तो उनके ऊपर क्या असर होगा। आई एम सॉरी अमित। मिस्टर सलीम आप जरा जाइए इनके साथ एक ढंग का डिजाइन बना के लाइए। ओके अमित। ओके। शिवास भैया, तुम्हें यानी कि उस आदमी के पास से कोई कागज का टुकड़ा मिला? देखिए आपने आज सुबह भी फोन किया था, आप हैं कौन? वो कागज यानी कि एक इनविटेशन कार्ड का फटा हुआ हिस्सा है, मिला तुम्हें? नहीं नहीं मिला, और अगर मुझे मिलता भी तो भी मैं लुक हियर मिस्टर जस्ट हु आर यू? देखो तुम यानी कि शरीफ घरवार वाले आदमी हो, अपने आप को इस मामले से यानी कि दूरी रखो, कागज ढूंढो और अपने पास रख लो उसे। और एक बात याद रखना, ये बात यानी कि पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना यानी कि तुमको समझदार हो। मैं कम इन। कम इन। मिस्टर अमित जी, मैं इंस्पेक्टर यादव। हाउ डू यू डू, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अगर आपके पास वक्त हो तो रात वाले हादसे के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर, लेकिन इस समय मेरी एक मीटिंग है और फिर मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अगर आप... नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यू टेक योर ओन टाइम, मैं बाद में किसी वक्त आ जाऊंगा। जादव साहब आप आने की तकलीफ मत कीजिएगा, मैं खुद ही आ जाऊंगा। जी नहीं, जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब इन्हें चौकी पे बुलाइए ना, हम घड़ी घड़ी इधर आएंगे तो हमारी वट कम हो जाएगी, फिर बॉम्बे में ट्रैफिक कितना रहता है। हवलदार। हाँ आप आने की तकलीफ मत कीजिए, हम लोग ही आएंगे, जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है, क्यों इंस्पेक्टर साहब? हवलदार बाहर चलो। अच्छा मिस्टर अमित बहुत बहुत शुक्रिया। चल रोजी जी बैठ। इसके लिए पानी गर्म करो। हेलो शीला, क्या बात है अमित, आज बार बार क्यों फोन कर रहे हो? हाँ बताता हूँ, घर का दरवाजा बंद है? नहीं खुला है। बंद कर दो। क्यों, क्या बात है? मैं कहता हूँ ना दरवाजा बंद कर दो। अब बोलो, दरवाजा बंद है। अच्छा बंटी कहाँ है? मेरे पास ही है। बात क्या है अमित, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। शीला बोलो ना क्या है। देखो कुछ घबराने की बात नहीं है, वो मैंने सुना है कि एक चोरों की टोली शहर में आई हुई है, ये लोग औरतों को घर में अकेला पाकर घुस जाते हैं। ये लोग खतरनाक हैं। इसलिए जब तक मैं ना, दरवाजा बंद रखना, किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। ओके अच्छा ओके। उठे बेटा मुंह धो लो। ये माँ शीला सुना माँ, 21 नंबर में कल मियाँ बीवी का बहुत झगड़ा हुआ। चाची दूसरों की बात कहना छोड़ दो। अच्छा छोड़ दिया, अभी नहीं बात करता। पर तुम दरवाजा काय को बंद किया था, कोई है अंदर? उनका फोन आया था। फोन काय को आया था माँ? शुरू हो गया। अम्मा दूसरा का नहीं तुम्हारा बात पूछता है ना। कह रहे थे शहर में खतरनाक चोर आए हैं जो घर में घुसकर औरतों को मार डाले। अयो काय को मारता माँ? उनका ख्याल ये है कि आजकल की औरतें ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। हाँ माँ देखो ना, 19 वाली लड़की ड्राइवर को इशारा करती है, औरत का नाम खराब कर दिया। काय को रखा है, किसी को मार डाले गई हो? यो छोड़ा,
सलाम साहब। सलाम। शीशा तोड़ दिया गाड़ी का साहब। किसने तोड़ा? मालूम नहीं साहब, कौन तोड़ा कैसे तोड़ा मालूम नहीं साहब। चलो नीचे। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ साहब, कोई गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ा साहब, ये पहला टाइम ही ऐसा शीशा तोड़ा साहब। तुम्हें यानी कि उस आदमी के पास से कोई कागज का टुकड़ा मिला? कागज का टुकड़ा? हो गया। बोलो क्या करूं? हाँ? चलो। कहाँ? है एक जगह। अरे भाई बोलो भी। फिकर मत करो, अच्छी जगह ही लेकर चलूंगी, तुम्हारी तरह कोई बेहुदा पार्टी में नहीं, जहाँ नंगी औरतें डांस। देखो शीला, एक बार कह दिया ना बहुत है, इस तरह बार बार कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। चलो 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 बाबा चलो। तू भी अपने बाप का ही बेटा है। चल लाइट ऑफ कर देना। चलो जॉनी जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मम्मी। हाँ बेटा। जॉनी को साथ ले चलेंगे? नहीं बेटा, जॉनी नहीं बेटा, आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जॉनी नहीं जा सकते। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? ओहो तुम चुप रहो जी, जॉनी अंदर जाओ, जाओ जॉनी अंदर जाओ। अरे रोजी। रोजी नहीं है। क्यों? छुट्टी लेकर गई है। ओफो, क्यों छुट्टी दी तुमने उसे? बेटा बेटा तुम कह दो ना, तुम्हारी बात मान जाएगा। जॉनी गो अंदर चलो, कल अपन साथ चलेंगे। लाइट ऑफ कर देना। जॉनी जाओ, जॉनी अंदर जाओ। सात साल की आयु में पिता का देहांत हुआ जी। उसके बाद माता ने पाल पोष कर बड़ा किया, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की, छोटे बहन भाई को शिक्षा दिलवाई, बहन का विवाह किया, उसके पश्चात अपना विवाह किया। जी। उसके बाद जीवन में आज तक कोई विशेष कठिनाई नहीं आई, किंतु आने वाले तीन दिन सबसे कठिन और दुर्घटना पूर्वक होंगे। कैसी दुर्घटना शासी? जिससे जान के लाले पड़ सकते हैं। जान? घर के उजियारे पर प्रभाव पड़ेगा, अंधकार सा छा जाएगा। कोई उपाय शास्त्री? साहस, केवल साहस। आने वाले तीन दिन कठिनाइयां और घोर समस्याएं लेकर आएंगे, उनका साहस पूर्वक सामना करने की आवश्यकता है, उसके बाद ही जीवन सफल होगा। वरना हरी इच्छा। जॉनी, जॉनी,
मम्मी जॉनी को खून आया। ये बिस्किट कहाँ से आया? मम्मी मिला जॉनी को, क्या होया? हेलो, क्या हाल है? कौन? अरे इतनी जल्दी भूल गए? हाँ मगर यानी कि इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर है? तुम्हारे शायद देख कमीने की तबीयत ठीक। अगर तू समझता मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगा तो तुझे कौन है अमित? एक मिनट, और मेरी एक बात सुन। धमकी कौन दे रहा है? मैं तो यानी कि सीधे से अपने कागज का टुकड़ा मांग रहा हूँ। और वो कागज का टुकड़ा तुझे नहीं मिलेगा। अरे क्या बात, यानी कि तुम्हारा तो अच्छा भी ला कर देगा। हाँ, देख लेंगे। भूलते क्या हो, तुम्हारी बीवी है यानी कि बच्चा है, कागज के टुकड़े के लिए तुम उनकी जान नहीं गंवा सकते। तो कल शाम ठीक 6 बजे यानी कि वेस्टर्न वॉच कंपनी पे आ जाना। आ जाना वरना कुत्ते के बाद यानी कि। हेलो हेलो हेलो, साला हरामजादा। बता ना अमित, बोलो ना, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अरे भाई वही था। वही कौन? वही जिसने कल रात खून किया था। क्या? कल रात से मुझे फोन कर रहा है और धमकी दे रहा है कि तुमने उस आदमी को क्यों बचाया। मुझे कहता है अगर वो आदमी बच गया या मैंने पुलिस को खबर की तो मुझे। अमित, किंतु आने वाले 3 दिन सबसे कठिन और दुर्घटना पूर्वक होंगे। क्या कर रहे हो? पुलिस को फोन कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? मत कर अमित, अगर उसे पता चल गया कि तुमने पुलिस को खबर की है तो तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। तो आप समझती है अगर हम पुलिस को खबर नहीं करेंगे तो हमारा दोस्त बन जाएगा? अरे भाई आज उसने जॉनी को मार डाला, कल वो नहीं। हम इधर लग रहा है। जॉनी को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। हेलो पुलिस स्टेशन। ले जाओ उसे। नहीं रोते बेटा, जॉनी को डॉक्टर के पास ले जा रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बेटा रोते नहीं है। शीला इसे अंदर ले जाओ। नहीं रोते बेटा। ये सब देख रहे हैं आप, सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह? जी, खुने ने आपको फोन किया, धमकियां दी, उसके बावजूद आप खामोश रहे। हमें इतना तक नहीं किया आपने, बहुत खरी जिम्मेदारी का काम किया आपने। लेकिन फोन का कैसे पता लग सकता है? फोन को हम टैप कर सकते थे, वो फोन कहां से आई ये एक्सचेंज से पता लगा सकते थे, बहुत से तरीके हैं इसके, लेकिन आपने सब पे बांध फेंक दिया। आई एम सॉरी। सॉरी कहने से कुत्ता थोड़ी जिंदा हो जाएगा आपका। शुक्र समझिए कि बिस्कुट कुत्ते ने खाया, कहीं आपका बच्चा खा लेता तो। मैं मानता हूं मिस्टर अमित, हर शरीफ आदमी ऐसी बातों से घबरा जाता है, लेकिन मेरी बात याद रखिए, आदमी को शरीफ जरूर होना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि उसकी शराफत से बुजदिली की बू आने लगे। खैर परेशान होने कोई जरूरत नहीं, आइंदा ख्याल रखिएगा। हाँ घबराइए नहीं, हम मुजरिम को यूं पकड़ेंगे। तुम अपना काम करो। अमित एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ प्लीज। मेरे लिए भी। हवलदार ये जरूरी है कि जो काम मैं करूं वही काम आप करें? लीजिए जहर के 2 बिस्किट बचे हैं, एक आप खा लीजिए, मैं खा लेता हूँ। नहीं मैं खाना खा के आया हूँ। शट अप।
तुम्हारा नाम क्या है? मेरे को शर्म आता है। अरे नाम बताओ, शर्म काहे को आता है? बेबी टंटन। अरे तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारे बच्चे का नाम काहे को बताता है? अपन अपने ही नाम बताते हैं ना मैन, हमारा शादी नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से आएगा? शादी नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे जैसा जेंटलमैन मिला नहीं रहे। कितना बिस्किट है तुम्हारे पास? बहुत सारा रे, तेरे को मांगता है पर वो सब सड़ गया, उसमें बांस मारता है, मिट्टी में मिलेला है, वो सब उल्लास नगर का माल है। तुम इधर काहे को आया? उधर जाके छापा मारो ना, हम भी तेरे को हेल्प करेंगे, हमको सब मालूम है उधर का। वो नहीं तो जहर वाला जो तुमने कुत्ते को देकर मार दिया। What? हम मारा? नहीं तो क्या, हम मारा? सुबह तुम्हारा अमित साहब के साथ झगड़ा हुआ बराबर, फिर सॉरी बोला बराबर, फिर तुम्हारा अंदर से जलन हुआ बराबर, फिर तुमने जहर वाला बिस्कुट कुत्ते को खिलाकर मार दिया बराबर। देखा भेजा आइडिया, 20 साल से पुलिस में हूँ, इंस्पेक्टर नहीं बना। तुम कैसा बात करता है हवलदार, हम काहे को उस कुत्ते को मारेगा? हम तो उसको बहुत प्यार करता था, अपना छोटा भाई के माफिक। हमको लगता है इस औरत ने उसको मार डाला है, ये उससे बहुत जलन खाती थी। ए, फिर कब मिलेगा रे? चौकी चलो। काय को? चौकी चलो, तुमने मर्डर किया, हमारे पास विटनेस है, चौकी चलो नहीं तो हम वारंट लेके आएगा। अयो, हम किसका मर्डर नहीं किया, हम खाली कुत्ता को डरता था, काय को मालूम वो कुत्ता काटता तो 14 लंबा लंबा इंजेक्शन पेट के अंदर लेना पड़ता, नहीं तो हम उसको इतना प्यार करता जितना हम तुमको प्यार करता। हमारा अम्मा का कसम, हमारा बाबा का कसम, जिसको बोलता है उसका कसम, हम मर्डर नहीं किया, किसका मर्डर नहीं किया। ए ए ए लड़की का शाला, अरे अरे हमारी बात सुनो। अरे क्या सुनेगा, हमको मालूम मालूम तुमको किसने हमारे खिलाफ भड़काया और तू आके हमको बम मारते आयो। यो भगवान, ए ए तुम रोता काहे को? अरे तुम रोता काहे को? कोई देखेगा तो क्या समझेगा, हमने तुमको गाली दिया, हमने तुमको मारा। आयला तेरा बिस्कुट खा के कुत्ता मर गया और खाने पीने पुलिस को तकलीफ देता है। ये साले गाड़ी कहां पार्क कर देते हैं, गधे हैं सबके सब, सोसाइटी वाले। वो कागज यानी कि एक फटे हुए इनविटेशन कार्ड का हिस्सा है। ओके सर। ये टुकड़ा किसी प्रोग्राम का इनविटेशन कार्ड का मालूम होता है। मगर सर, इस टुकड़े में ऐसी क्या खास बात है कि मुजरिम भेजे ही नहीं? हवलदार। यस सर। अगर तुम्हारा दिमाग इसी तरह काम करता रहा। यस सर। और इंस्पेक्टर बनने को चल। यस सर। अरे हवलदार, सीधी सी बात है, हमले से पहले वो पूरा कार्ड उस खूनी की जेब में रहा होगा और हमले के बाद यानी कि उस झड़प के अंदर उस कार्ड का ये टुकड़ा वर्मा के हाथ में रह गया होगा। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वाकई यादव साहब, इस कागज के टुकड़े का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? यार अमित, मुजरिम जुर्म करने के बाद हर उस चीज को खत्म कर देना चाहता है जो उसकी गिरफ्तारी का कारण बन सकता है। फिर तो ये टुकड़ा लेने के बाद वो अमित बाबू को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमित बाबू उसकी शक्ल देख लेंगे। हवलदार, अपना काम करो। मिस्टर गुप्ता, वो कार्ड। आप सबसे पहले काम कीजिए, ये पता लगाइए कि ये किस प्रेस में छपा है, फंक्शन क्या है, हॉल का नाम क्या है और इसके ऑर्गेनाइजर कौन है। प्लीज हरिया। यस सर। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें काम करोगे, आज शाम को 6:45 तक वेस्ट एंड वॉच कंपनी के पास, और मेरे सिपाही सारे ड्रेस में उस पूरे इलाके को घेरे रहे,
सामने की बिल्डिंग में हमारा मूवी कैमरा फिट रहेगा ताकि तुम्हारे पास से हर आने जाने वाले आदमी की तस्वीर इसमें आ जाए। अमित, ये काम खतरनाक जरूर है लेकिन मुजरिम की गिरफ्तारी से तुम कानून और सोसाइटी की मदद कर सकोगे, क्या ख्याल? अभी तक कोई नहीं आया भेज, इस चौक का डूबने वाला कोई भेज। कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया बाबा, अभी तक कोई नहीं आया। चौकट चूमने वाला भेज दे। बहुत चालाक समझते अपने आप को, मना करने पे भी पुलिस को साथ में ले आए। भूल गए कि तुम्हारे बीवी और बच्चा घर पे अकेले हैं। शीला, ओ पापा। हाँ बंटी, हाँ मेरे बेटे। ओह माय गॉड, बोलिए। मैं अमित बोल रहा हूं। अमित, स्टार्ट कीजिए। अमित आओ प्लीज। उस दौरान यही एक आदमी तुम्हारे करीब आया था, यकीनन इसी आदमी ने चिट्ठी तुम्हारी जेब में डाली होगी। हाँ, हो सकता है। इसका चेहरा कैसा था? देखा नहीं। देखा नहीं? हाँ, दरअसल मैं उस समय इतना घबराया हुआ था कि कौन आया कौन गया कुछ मालूम नहीं। ओह, मैं तो समझा था आज ही मामला हल हो जाएगा। खैर, पिछले चंद दिनों में इस तरह का आदमी कभी तुम्हें मिला था?
कब? अमित, कुछ याद आया? कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश करो अमित, घर के आसपास या दफ्तर में आते आते कहीं से देखा हो? पिछले चंद दिनों में। इस आदमी का तुम जरा भी हुलिया बता दो तो हमारी पुलिस इसे कहीं से ढूंढ निकालेगी। I'm sorry, जादव साहब, ऐसे हुलिया का सोचो। ऐसे हुलिया का तो मेरा एक साला है कानपुर में। वेरी गुड जोक। खैर इंस्पेक्टर, इस फिल्म के देखने से इतनी मदद तो जरूर मिल गई। क्या? उस आदमी के कपड़ों से साफ जाहिर है कि वो कोई मामूली गुंडा नहीं। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन इस बात की दाद देनी होगी कि आप सबकी मौजूदगी में वो आदमी कितनी सफाई से मेरी जेब में वो चिट्ठी छोड़ गया। इतनी सफाई से वह एक दिन हम सबको साफ कर दे। डोंट वरी अमित, तुम लोगों की हिफाजत का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। खैर चलो हॉस्पिटल चलते हैं, शायद वो आदमी होश में आ गया होगा। अब तो वही उम्मीद है। चलो ऐसा करता हूँ अमित, मैं पहले डॉक्टर से मिल लेता हूँ और उसके बाद में डॉक्टर वार्ड में है सर। हेलो जादव। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर जानते हो ना? ऑफ कोर्स मिस्टर अमित, ऐसे बहादुरों को कौन भुला सकता है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आपको नहीं, शर्मिंदा इस इंस्पेक्टर को कर रहा हूं। मिस्टर अमित, ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कैलाश, हम दोनों साथ ही पढ़ा करते थे। डॉक्टर यस, यार कब तक खुश आएगा उसे? कुछ कह नहीं सकता। मतलब कोई चांसेस नहीं? चांसेस तो है, पहले से बेटर भी है, लेकिन होश कब तक आए आई कैन नॉट से। कैसे डॉक्टर हो यार तुम, एक आदमी को होश में ही ला सकते? कैसे इंस्पेक्टर हो तुम, एक कातिल को भी नहीं पकड़ सकते? डॉक्टर इसे तो ध्यान रखो। मुझे मालूम है यार, लेकिन डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं, समझे? लोग पुलिस के बारे में भी यही कहते हैं। आइए मिस्टर अमित। मदोना क्या कर रहे हो? क्या हुआ? Hey, you're supposed to be my wife, you know. बंटी का तो ख्याल करो। But, बंटी बेटा आपके सोने का टाइम हो गया, चले जाइए। रोजी। जी। रोजी बंटी को ले जाओ। पापा मुझे नींद नहीं आई है। आई है, आपको भी आई है और आपके बाप को भी आई है। चलिए रोजी बंटी को ले जाओ, सोने का टाइम हो गया। चलिए बेटा जाइए। गुड नाइट। रोजी तुम सो जाना, मैं खुद खाना गर्म कर लूंगी। हाँ देखो जी, तुम बहुत बेशरम होते जा रहे हो। क्यों? लो फ्रूट खाओ, कभी उसके के साथ अच्छी चीज भी खा करो। ये भी कोई खाने की चीज है? आज तक तो मैं खाने का मन कर रहा। आई अरे रोजी आ जाएगी। रोजी आ जाएगी तो हाँ आएगी, देखेगी चली जाएगी। तुम ना सच्ची दिन बे दिन बहुत बेशरम होते जा रहे हो। और तुम दिन बे दिन बहुत खूबसूरत। सुनो ये तुम्हारा दूसरा पेट है ना, तो इतनी कैसे चढ़ गई आज? हाँ अरे अरे लाइट फ्यूज हो गई है। तो क्या हुआ, और अच्छा है। What the bloody hell's going on here? Are Darwan? Are Darwan? नीचे को स्विच के देखे भाई, ऊपर को देखने सभी बिल्डिंग की लाइट चली गई है। अरे क्या हुआ भाई, लाइट कैसे ऑफ हो गई? अरे कोई मेन फ्यूज ले गया। फ्यूज चोरी हो गया? ये कैसे हो सकता है, फ्यूज कौन चोरी करेगा? अरे भाई गोरखा जल्दी करना। अरे भाई कब तक लाइट आएगी? अभी ठीक हो जाएगा। अमित क्या हुआ, लाइट क्यों चली गई? अरे बोल तो सही, क्या हुआ, लाइट क्यों चली गई? Thank you.
बचाने की कोशिश की, मैंने उसकी टांग पर चाकू मारा, वो देखो वो भागा। चाकू मारा मेरे कुत्ते का खून किया, मेरी मेरी बीवी को मारना चाहता है। भगवान के लिए मुझे पहले भगवान के लिए मुझे पहले छोड़ दीजिए। अरे आप मन से मैं सीरेडी का आदमी यहाँ पहरे पर, ये यहाँ कुछ नहीं बोलेगा, इसकी जुबान बड़े घर जाकर खुलेगी। आप आइए ना, अंदर खुले जाइए। घबरा तो नहीं था, कंचम कंचम डरता क्या, वो झगड़ा करके हम थक गया बहुत। आयो यो यो बांध के रखा ना पा। हाँ हाँ बांध के रखा है। आइया देखिए पहचाने इन लोगों में कौन है वो आदमी। बोलना नहीं क्या हमने बताया, ये तो आपको एक दिन मार डालेगा। घबराइए नहीं, आइए मेरे साथ। आप जाओ प्लीज, आइए आप आइए। बताइए कौन है वो आदमी। ये झूठ बोल रही है, आप लोगों से मिली हुई है, आप लोग किसी गरीब आदमी को सड़क से उठाकर उस पर इल्जाम लगा देते हैं। हवलदार चलो बंद कर दो। हेलो साइड कुत्ता, ऐसा को बंद कर दो। यस अरे चलो सब ले लो। थैंक यू वेरी मच अमित, थैंक यू। और सुनो, भाभी को मेरी तरफ से कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पकड़ा गया है। थैंक यू, गुड नाइट। अरे अरे ओ साहब, क्यों बूम मारता है? चाय में कुछ भी पानी नहीं लगा। एक घंटा हो गया, बीड़ी गाड़ी कहीं कुछ भी नहीं। बीड़ी गाड़ी कुछ भी नहीं, ये क्या तुम्हारे बाप का घर है? अगर ज्यादा बकवास करेगा तो कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। अमित बाबू, अमित बाबू जरा मेरी बात तो सुनिए, बड़ी मेहरबानी होगी। एक मिनट, मैं आपकी नजरों में खूनी हूं, मुजरिम हूं, कहां तक सच है कहां तक झूठ है इसको साबित करने के लिए बहुत वक्त लगेगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। छोटी सी मेहरबानी मुझ पर कीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपसे जमानत के लिए या अपने आप को छुड़वाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। फिर क्या है? कल मेरी लड़की की शादी, उसका मंगलसूत्र खरीदने के लिए, पैसों का इंतजाम करने के लिए घर से निकला था। मेरी लड़की से कह देना कि तेरा बाप एक बहुत जरूरी काम से बाहर गया है, इसलिए शादी ना रोकी जाए, और हो सके तो लड़के वालों को भी समझा देना। कहाँ रहते हो? धारावी खोली नंबर 110। मेरा नाम गोपाल है, मेरी बीवी का नाम बिमला है। पता पुलिस वालों को बता दीजिए, आप तो जानते हैं कैदी की बेटी बड़ी मुश्किल से भले घर की बहू बन सकती है। लक्ष्मी काहे को रोती जा रही है, चुप करना। चाची देखिए ना, नहीं मानती, रोती जा रही है। लक्ष्मी बेटी रो मत, तेरे बापू आते ही होंगे, जरूर उन्हें कोई काम पड़ गया होगा। चाची गोपाल चाचा के दोस्त आए हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार, आइए जी। नहीं ठीक है, गोपाल यही रहते हैं? जी हाँ,
लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है, कल रात से गए हुए हैं, अब तक नहीं लौटे। जी हाँ, मुझे मालूम है, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। भेजा है? वो खुद क्यों नहीं आए? कहाँ है वो? उन्हें कुछ? नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। दरअसल बेटी के मंगलसूत्र के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए अचानक उन्हें पूना जाना पड़ा। पूना? ये शादी कैसे होगी? मंगलसूत्र कहाँ से आएगा? मेहमानों की देखभाल कौन करेगा? घर में फूटी कौड़ी भी नहीं, एक महीने से खुद बीमार थे, जो कुछ घर में था एक एक करके सब बिक गया। एक महीने से बीमार थे? इसका मतलब महीने भर से वो घर से बाहर ही नहीं गए? नहीं, मैं ही रोज अस्पताल जाकर दवाई लाती, कल जरा सी तबीयत ठीक हुई और मंगलसूत्र का इंतजाम करने के लिए गए, और अब तक देखिए रोइए मत, ये इसे रख लीजिए। ये क्या? ये 500 रुपए हैं, गोपाल ने दिए थे मुझे, कहा था कि आपको दे दूं, और ये भी कहा था कि अगर उसे आने में देर हो जाए तो ये शादी किसी भी हालत में ना रोके। ये लीजिए। अगर बाबा नहीं आएंगे तो मैं मंडप पे नहीं जाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? जिस मंडप के लिए तुम्हारे बाबा ने इतनी तकलीफें उठाई, अपनी बीमारी की परवाह नहीं की, उसी मंडप पे जाने से इनकार कर रही? देखिए मैं उनसे मिलता हूँ और जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये शादी किसी भी हालत में नहीं रुकनी चाहिए। भाई मैं उसके घर गया था, वहां पता चला कई दिनों से घर पे बीमार पड़ा था। अगर वो घर पे बीमार पड़ा था तो फोन करने और फोन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेचारा गरीब है, कल उसकी बेटी की शादी है, शादी के लिए पैसे चाहिए थे, चोरी की, पकड़ा गया। लेकिन उसको पता तुम्हें किसने बताया? उसने मुझे खुद बताया था, कह रहा था पुलिस को मत बताना, बेटी की शादी का सवाल है, एक कैदी की बेटी को कौन ब्याहे? ये तो बहुत बुरा हुआ। सर मैं एक आइडिया दूं? हवलदार प्लीज अपना आइडिया अपने पास रहें। अमित बैठो। यादव साहब एक बात, उस आदमी को छोड़ दे। अमित यार छोड़ कैसे दूं? उस आदमी ने चोरी की है, चोरी का इल्जाम है उस पे। देखो जमानत मैं भरी देता हूं। चलो तुम? भाई आदमी गरीब है, दुआ देगा, और ऐसे मौके पर दुआ दिल से निकले, आड़े वक्त काम आएगी यार। देखिए रे, यकीन नहीं आता कि जमाने में तुम जैसे लोग भी होते हैं। ठीक है खैर कुछ करता हूं, चलो आओ। देखो तुम्हारी जमानत हो चुकी है, तुम जा सकते हो। हवलदार बंद कर दो दरवाजा। सुनिए मेरी जमानत किसने दी? देखो इस समय बक्साया मत करो, बारात आने का वक्त हो गया। बताइए मेरी जमानत किसने दी? अरे भाई किसी ने भी दी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम जल्दी घर जाओ। चल। अरे ये क्या कर रहा है? गरीब आदमी हूं, अदला में कुछ नहीं दे सकता, बस दुआ कर सकता हूँ भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आपकी सारी तकलीफें मुझको लग जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहता, जान दे सकता हूँ आपके लिए, अभी आजमा कर देख लीजिए, आधी रात बुलाइए, सर के बल चल कर चला। अच्छा मेरा कहना मानो? भगवान का नहीं मानो, आपका जरूर मानूंगा। तो इस वक्त एक लफ्ज नहीं बोल, घर जाओ, बेटी बाप के आशीर्वाद का इंतजार करे। Yeah.
चॉकलेट खाओगे? आप कौन है? हम यानी कि तुम्हारे अंकल हैं। चॉकलेट लो, इनके आओ। लो, लो। अमित, मैं इंस्पेक्टर जादव बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर जादव? हाँ। क्या बात है? आप वहाँ क्या कर रहे हैं? अमित, तुम फोन घर आ जाओ। क्यों? क्या बात है? मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा। लेकिन बात क्या है? तुम मेरी बात मानो, अमित, तुम घर आओ फौरन। लेकिन आप बताइए तो सही, बात क्या है? बंटी कहीं खो गया है। बंटी? हाँ मैं आता हूँ। शीला, क्या हुआ शीला? बंटी कहाँ है? मुझे मेरा बंटी ला दो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। वो गया कहाँ? योगी से पूछो। बंटी तुम्हारे साथ क्या था? अपन लोग के साथ पार्क में गया होता, उधर वो दूसरे बच्चे लोग के साथ खेलता होता। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अपन दूसरे भाई लोग के साथ बात करता होता, मालूम नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गया। तो उसे अकेले क्यों जाने दिया तुमने, इडियट? कहाँ जा रहे हो? हट जाइए इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। किसे? किसे मार डालोगे? कहाँ ढूंढोगे उसे? अमित, अपने जज्बात को काबू में रखो। तुम्हारा कोई भी कदम बंटी की जान के लिए खतरा बन सकता है, ये काम तुम्हारा नहीं, पुलिस का है। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानियां की हैं पुलिस ने मुझ पर, मुझे और किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं, समझे? पुलिस माय फुट, क्या किया है पुलिस ने मेरे लिए? आए दिन वो खूनी एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है और आप लोग मुंह ताकते रह जाते हैं। मेरी बीवी और बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली थी कि नहीं ली थी? पुलिस के होते हुए आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, यही कहा था ना आपने, यही वादे दिए थे, क्या हुआ उन वादों का? फिर बंटी कैसे खो गया? क्या जवाब है आपके पास? अमित, इंस्पेक्टर साहब चले जाइए, मुझे ना आपकी मदद चाहिए ना ही आपकी हमदर्दी। थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो अमित? ये मौका ऐसी बातें करने का? उधर देखो तुम्हारी बीवी का क्या हाल है। मैं मानता हूं अमित कि वो आदमी लगातार कोई ना कोई चाल चल रहा है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही, लेकिन अमित जहां तक बंटी का सवाल है उसे ढूंढने में मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। चलो अवलदार, आप लोग भी चलिए। मुझे मेरा पार्टी वापस चाहिए, प्लीज अमित, प्लीज। शायद ये नहीं कि तुम्हारी बीवी मालूम होती है, अपना बच्चा मांग रही है। यू बास्टर्ड, यू ब्लडी बास्टर्ड। हां हां, पढ़े लिखे आदमी हो, यानी कि गालियां नहीं बकते। वेरी बैड, अपने बीवी बच्चे का ख्याल रखो वरना। और क्या चाहिए तुझे? ये हुई नहीं यानी कि समझदारी की बात। सुनो, अपने घर का यानी कि जाके दरवाजा खोलो, बाहर तुम्हें छोटा सा यानी कि पैकेट मिले। मजाक छोड़ो, पंटी कहां है? मैं जो कहता हूं पहले सुनो मेरी बात। घर का यानी कि जाके दरवाजा खोलो, वहां तुम्हें यानी कि एक छोटा सा पैकेट मिलेगा। शीला, उससे बात नहीं करना। शीला, क्या कर रही हो? हाँ कहिए। बेचारी बच्चे के गम में इन्हें के पागल। हाँ हाँ ठीक है, बोलो। पैकेट मिला? हाँ मिला। खोलो से। क्या? खोलो इन्हें के, देखो क्या है उसमें। एक शीशी, उसमें एक पिन लगा हुआ है और उसके अंदर कुछ पाउडर। पाउडर नहीं, साइनाइड है। साइनाइड? साइनाइड क्या मतलब है तुम्हारा? अगर ये पिन तुम उस आदमी के शरीर में यानी कि हल्के से चुभा दो तो ये जहर उस आदमी को यानी कि हमेशा के लिए। व्हाट? इम्पॉसिबल। क्या बात है? मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, सुना तुमने? आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। तुम चाहते हो मैं शादी का खून कर दूँ? शीला, तुम ये काम जरूर करोगे वरना यानी कि बंटी। हेलो हेलो, डैम स्वाइन। क्या चाहता है? पागल चाहता है कि मैं उसे जहर देकर मार डालूं। उसके कहना मान लो, अगर मेरे बाटी को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूं। तुम चाहते हो मैं उसे खून कर दूं? हाँ, उसे मार डालो, भगवान करे उसे मौत आ जाए, मुझे मेरा बाटी वापस चाहिए। बेटा
कहाँ जा रहे हो? आपसे पानी जरा। परेशानी की वजह से सो नहीं सका। जानता हूं, पेशेंट अभी तक होश में नहीं आया। मैं उसे देख सकता हूं? इजाजत तो नहीं मिस्टर अमित, लेकिन आप आइए मेरे साथ। तुम भी आओ। हवलदार, ये मरीज को देखना चाहते हैं, इन्हें अंदर जाने दो। तू मेरे बेटे की कितनी चिंता करता है, जैसा तेरा अपना भाई। भगवान तुझे सुखी रखे बेटे। हालात में कोई भी आदमी उस खूनी का कहना मान के वर्मा को जहर दे देता, लेकिन आप यू आर रियली अफ्रेड मैन, और मैं वक्त आने पर लोगों के सामने आपकी मिसाल पेश करूंगा कि आदमी बहादुर हो तो। कमिश्नर साहब, ना मुझे नाम चाहिए, ना शौहरत, और ना ही इसकी लालच में मैंने ये काम किया। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अमीर, बहुत बर्दाश्त किया कमिश्नर साहब, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इन तीन दिनों में मेरे घर की क्या हालत हो गई, ऐसा लगता है जैसे जैसे सब कुछ चला गया। मेरी बीवी रो रो कर पागल से हो गई, और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैंने एक आदमी की जान बचाने की कोशिश की। अगर इस दुनिया में भलाई का यही अंजाम है तो मैं कभी। अमित, ये क्या,
दिल छोड़ा नहीं करते, हम जो है तुम्हारे साथ। भगवान ने चाहा तो बच्चे को मिलने का जल्द कोई रास्ता निकल आएगा। सर वो कार्ड जिस प्रेस में छपा था उसका पता चल गया। वेरी गुड सी। और उसके ऑर्गेनाइजर के नाम का भी। प्रेस का नाम है रेमन प्रेस और प्रोग्राम करने वाली संस्था का नाम है स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी। प्रोग्राम आज शाम को है। यस सर। देखा मैंने कहा था ना दिल छोटा मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब आराम से घर जाओ और अपने मिसेज से कहो कि घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। नमस्ते। आपका कार्ड ये क्या फटा हुआ कार्ड? सॉरी माफ कीजिएगा, बच्चे ने फाड़ दिया। आपका कार्ड और सॉरी कार्ड। अरे अरे क्या करते हो? अरे ये तो हमारे चीफ गेस्ट हैं किशन लाल जी। आइए सर, आइए तशरीफ लाइए। आइए नमस्ते। आइए आइए। सज्जनों, अब देश के मशहूर गायक श्री नरेंद्र चंचल अपनी मशहूर और सुरीली आवाज में आपका मनोरंजन करेंगे। श्री नरेंद्र चंचल।
सज्जनों, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि आज इस शुभ अवसर पर हमारे शहर के बहुत बड़े, बहुत नेक और बहुत दानी श्री किशन लाल जी ने इस संस्था का चीफ गेस्ट बनकर हमारा और आपका मान बढ़ाया। अब मैं इन महापुरुष से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके सामने हमारी इस संस्था के बारे में अपने शुभ विचार प्रकट करें। देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका यानी कि आभारी हूं। आप लोगों ने इस शुभ कार्यक्रम यानी कि शुभ अवसर पर शामिल होने का यानी कि मौका दिया, और मैं ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, यानी कि जिन्होंने आज मुझे इतना बड़ा मान दिया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे देश में भी यानी कि ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें बच्चों की तालीम की फिक्र है, खासकर उन बच्चों की जिनके माँ बाप यानी कि पढ़ाई का बोझ यानी कि अपने कांधों पर नहीं उठा सकते। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। वैसे मुझे भी बच्चों से यानी कि बहुत प्यार है। अब मैं ऐसा चाहूंगा कि बच्चों की ऐसी संस्थाएं हर शहर और हर स्टेट में होनी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा यानी कि माँ बाप के बगैर या अपने आप को लावर न करे। आज की फंक्शन की कामयाबी पर यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। यकीन कीजिए, ये वही आदमी है, मैं उसकी आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ। बात बात पर यानी कहता है दादा साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसी के पास कार्ड नहीं था ना? पॉसिबल अब आप लोगों का ज्यादा वक्त लेते हुए मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सब लोगों से यानी कि आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद। हाँ प्रोफेसर साहब, जब भी कभी किसी मदद की जरूरत हो याद कर लीजिएगा, आप तो जानते हैं। सॉरी कृष्णलाल जी, इस आदमी का बच्चा खो गया, इसलिए जरा अपसेट है। क्षमा कीजिए कृष्णलाल जी, आपको कष्ट उठाना पड़ा, कोई पागल वागल आदमी हो। इट्स ऑल राइट, लेकिन ये सब क्या है, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। आइए आइए, छोड़ दो ज्यादा साहब, इस आदमी को जाने मत देना, यात्री को नहीं है, छोड़ दो ये बास्टर्ड की बॉडी जान पर, अमित जो बास्टर्ड, छोड़ दो मुझे, अमित छोड़। अभी अभी एक आदमी आया था, उसने मुझे मारने की कोशिश की, मैंने उसे टांग पर चाकू मारा। मुझे इंस्पेक्टर साहब आपको फोन। रिपोर्टर वर्मा होश में आ गया। गुड, वेरी गुड। वो कहता है किशन लाल ही वो आदमी है। क्या किशन लाल जी ने उसे मारने की कोशिश की थी? हाँ, किशन लाल एक बहुत बड़ा स्मगलर है, और रिपोर्टर वर्मा उसकी असलियत को बेनकाब करना चाहता था।
गाड़ी चला। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, यानी कि तुमने गाड़ी नहीं चली तो तुम्हें गोली छोड़ा दूंगा। जाओ जल्दी जाओ। कैदर साहब, कोई मेरा बच्चा लेके गाड़ी में भागे। मैं मानता हूं कि आप सीआईडी के आदमी हैं, मगर यकीन मानिए कि वो आदमी बहुत खतरनाक है और उस आदमी की वजह से हजारों मुसाफिरों की जान जा सकती है। आप कुछ भी करके उस गाड़ी का ट्रैक बिल्कुल ओपन रखिए। इज दैट बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन मास्टर? क्या ये कैसे हो सकता है? आप ट्राई तो कीजिए। लेकिन कोई ट्रैक ओपन नहीं है मास्टर साहब, ये बहुत जरूरी है, आप कुछ तो कीजिए। अच्छा तो मैं 5 नंबर दे सकता हूँ क्योंकि फ्रंटियर में लेट है। ऑल राइट दादर प्लीज। क्योंकि वो ट्रैक खाली चाहिए। फ्रंटियर मेल वक्त पर आई थी लेकिन अभी अभी यहां से निकली है। कुछ तो कीजिए स्टेशन मास्टर साहब। 2 नंबर की जो फास्ट ट्रेन है उसे वही रोकिए। ओके सर। और जल्दी हुई गाड़ी ट्रैक नंबर 4 पर आ रही है, उसे किसी भी ट्रैक पर पास होने दीजिए। ये कैसे हो सकता है, सामने से गाड़ी आ रही है। ठीक है हम बोरीवली एसएम को कांटेक्ट करते हैं और सौराष्ट्र एक्सप्रेस को बोरीवली स्टेशन से पहले रोकने की कोशिश करते हैं। ओके सर। सिग्नल है। मैं कुछ नहीं चाहता, यानी कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो गाड़ी चलने दो।
बंटी, ओ बंटी, बंटी, अंदर पकड़ो उसे, मेरे बंटी, मेरे बेटा, यानी के शाबाश अमित, तुम्हारी जितनी तारीफ की जा कम है। क्या कह रहे हैं जादू साहब, मैंने तो एक अच्छा शहरी होने के नाते अपना फर्ज निभाया। अमित, अगर तुम्हारी तरह हर शहरी अपने फर्ज को निभाने लगे तो शहर में तो क्या बल्कि सारे मुल्क से मुनास्तिनों में छुपे सांपों का सफाया हो सकता है जिनकी किसी की नजर नहीं जाती, जो बेनाम है। चलो अमित,